वहीं जम्मू कश्मीर के राजौरी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राजौरी के जंगलों में भीषण आग लगी है। जंगलों में तेजी से आग फैल रही है। धुएं की वजह से लोगों को भारी मुश्किलें उठानी पड़ रही हैं। राजौरी के जंगलों में इस वक्त आग लग रही है, जो लगातार रिहायशी इलाकों तक पहुंच रही है। इस आग की आंच, धुएं का गुबार आप देखिए किस तरह से आग की ऊंची उठती हुई लपटें दिखाई दे रही हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी से ये खबर है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जंगल धधक रहे हैं। अजय जांडियाल संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, ये जो जंगलों में आग फैल रही है लगातार, दूर तक इसकी आंच महसूस की जा रही है। रिहायशी इलाकों में भी लोग परेशान हो रहे हैं, धुएं का गुबार देखा जा रहा है। वजह क्या है, जंगल क्यों लगातार धधक रहे हैं? देखिए, आपको बता दूं कि ये पहला मौका होगा जब जम्मू कश्मीर में अगर बात की जाए तो कई जिलों में, कई जंगल के इलाकों में आग की घटनाएं जो है वो जारी हैं। बीती रात आपको बता दूं कि बीती रात को जम्मू शहर के आसपास के जो जंगल है, चाहे वो ये सिद्धरा के जंगलों की बात की जाए, इसके अलावा कालीधार इलाका पड़ता है, वो बड़ा फेमस जंगल है, उस पूरी कालीधार रेंज पे, फॉरेस्ट रेंज में जो है वहाँ पे आग से बुरा हाल है। और यही वजह है कि राजौरी हो, पुंछ हो, जम्मू हो, उधमपुर हो, इन तमाम इलाकों में जंगली आग जो है, जंगल में आग जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और प्रशासन की तरफ से कुछ कड़े कदम नहीं उठाए जा रहे, क्योंकि जिस तरीके से जंगल की आग फैल रही है वो बताती है कि इस गर्मी में वो आग में घी का काम कर रही है, क्योंकि लगातार 43 डिग्री पारा पहुंचा हुआ है। उसके बाद जंगल की आग जो है वो लगातार उसमें और तपाने का काम कर रही है। और ऐसा कई जगह पर है, लगभग एक दर्जन से ज्यादा जंगली ऐसे इलाके हैं जहां पर इस वक्त आग लगी हुई है। और वन संपदा जो है वो लगातार नष्ट होती जा रही है, ना सिर्फ वन संपदा बल्कि जंगली जानवर मवेशी जो है वो भी इस आग में झुलस कर मारे जा रहे हैं। प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि वो फायर टेंडर के जरिए और तमाम फॉरेस्ट कर्मियों के जरिए इसको बुझाने के प्रयास कर रहे हैं, मगर अभी कोई सफलता मिल नहीं पा रही। मगर जिस तरीके से जंगल की आग पूरे इलाके में फैली हुई है, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसके लिए हेलीकॉप्टर के जरिए पानी का छिड़काव होना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये जंगल की आग जो है लगातार बंद जो है उनको तबाह करती आगे बढ़ेगी। सीमा पर बारूदी सुरंगें जो बिछाई गई हैं, ये भी बताया जा रहा है कि उसमें भी एक एक करके विस्फोट हो रहा है, जिससे ये आग बढ़ती जा रही है। देखिए, बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ के जो जंगल है वहां पर पाकिस्तान की तरफ से इस आग को लगाया गया था। उसमें हमने पहले भी बताया कि किस तरीके से आग जो है लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ से शुरू हुई और फिर जम्मू कश्मीर यानी कि पुंछ की तरफ जो है वो बढ़ती चली गई। उसके बाद क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल पे कई तरह के एमिशन और जो आईडी जो है उनको प्लान किया गया होता है ताकि किसी भी तरह से घुसपैठ जो है वो रोकी जा सके। और इस जंगल की आग से कई बार जो है वो विस्फोट हो जाते हैं, जो एंटी पर्सनल माइंस लगे हैं वो उनमें विस्फोट हो रहे हैं। उसमें कहीं ना कहीं खतरा जो है वो सेना को भी रहता है, क्योंकि सेना के जवानों को वहां पे गश्त करनी होती है। मगर अभी लगातार इस तरह के वाक्य आ रहे हैं जिसपे ये जो एक्सप्लोजिव है वो फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। हालांकि उसमें अभी कोई नुकसान तो नहीं हुआ है, मगर यकीनन इस चीज का खतरा बना हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान इसी वजह से लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में आग लगाता है ताकि जो माइंस वहां लगी है वो नष्ट हो जाए और उसके बाद वो घुसपैठ कर सके। अजय, अभी क्या कोशिशें की जा रही हैं इस आग पर कंट्रोल करने के लिए? कब तक आग बुझा ली जाएगी, किस तरह की संभावना है? इसके साथ ही ये भी बताएं कि कितना बड़ा ये चैलेंज है इस आग पर काबू करना, क्योंकि जंगलों में जब आग लगती है तो लगातार वो फैलती जाती है और उस पर काबू करना इतना आसान नहीं होता। देखिए, जंगल की आग की अगर बात की जाए, क्योंकि जंगल कई किलोमीटर में फैला हुआ है, प्रशासन का कहना है कि फॉरेस्ट गार्ड और उनकी जो फायर टेंडर की टीम्स हैं वो लगातार इस आग पर काबू पाने की प्रयास कर रहे हैं, मगर वो नाकाफी है, क्योंकि जंगल में फैली आग जो है उस पर कहीं ना कहीं आम ये कहूँगा कि ह्यूमन इंडिविजुअली जो है वहां पर उसको अगर काबू पाना जो है वो बेहद मुश्किल है। ऐसे में अगर इस आग पर काबू पाना है तो यकीनन वहां हेलीकॉप्टर से या बड़े लेवल पर पानी का छिड़काव करना होगा। प्रशासन का कहना है कि जो फायर टेंडर की गाड़ियां हैं वो हर जगह जंगल में पहुंच नहीं पाती, ऐसे कई इलाके हैं जहां पर जंगल में लगी आग जो है अब गांव के भीतर पहुंच गई है और उसमें कहीं ना कहीं नुकसान होने का डर रहता है। तो ऐसे में इन इलाकों में पानी का छिड़काव जो है वो आसमान से करना बेहद जरूरी है ताकि ये आग जो है उस पर कंट्रोल हो सके, वरना ये आग लगातार जो है वो बढ़ती जाएगी और फैलती जाएगी। या दूसरा एक तरीका जो है वो यही है कि ऊपर वाला जो है वो रहम करे और बारिश की कोई संभावना बन जाए, उसके बाद ही कहीं ना कहीं उस आग पर काबू पाया जा सकता है। बिल्कुल अजय, ये भी बताएं कि कितने किलोमीटर तक लगभग जंगलों में आग फैल चुकी है और कितने नुकसान की आशंका है?
देखिए जो कालीदा रेंज का इलाका है, जो राजौरी, रियासी और जम्मू डिस्ट्रिक्ट के तीनों डिस्ट्रिक्टों के बीच का जंगल का इलाका है, वहां कई ठीक है अजय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो राजौरी के जंगलों में आग लगी है और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ गर्मी की वजह से इस आग के फैलने की खबर सामने आ रही है, तो दूसरी ओर जो बारूदी सुरंगें यहां पर बिछाई गई हैं उनमें भी एक के बाद एक लगातार विस्फोट हो रहा है, वो भी एक कारण है। लेकिन कई किलोमीटर तक जंगल जल रहे हैं, धधक रहे हैं, इस पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जंगलों में आग तेजी से फैल रही है। रिहायशी इलाकों तक धुआं पहुंच रहा है, जिससे आम लोगों को भी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं।